बाकी दोस्तों देख लीजिए, ये सर का एक स्पेशल ब्रीड है कुत्ता। ये सर दुबई में जो शेख लोग रखते हैं वही है। ये रेस कराता है, देखिए क्या लंबा है ये। तो खाना लगता है ना दिन का, हमारा पास समझो कि आज 600 बकरा है तो दिन का हमको ऑलमोस्ट एक 1200-1500 किलो लगता है। कितना लग जाता होगा सर? हर महीने में आप समझो एक 2 ट्रक लगता है इसका, ले जाते हैं ब्रश बनाते हैं। किस हिसाब से बिकता है ये? ये बिकता है 120 रुपए किलो से। मैंने सब बच्चों को बोल दिया है कि रिजल्ट मेरे को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये देखो मेंढा 100+, या कोई चीटिंग नहीं है। चना भी देते हो सर? चना भी देते हैं, कोई चीटिंग नहीं है। पूरा बकरा 2 किलो के ऊपर खाना खाना चाहिए। ये अभी देखो फोकस करो, 139 किलो है। अपने पास 100+ के ऑलमोस्ट 55 बकरे बिक गए। मैं वो लोगों को यही बोलना, तुम ये सीखो, ये सीखना चाहिए लोगों ने। कैसे 100 किलो से ऊपर का? हाँ, ये जो है ना, ये अभी अनिश भाई आपको दिखा रहे है, ये जो लिंडी है ना, ये 15 दिन बकरों के पाव के नीचे रहती है। इसका सेल मेरा गोवा में जाता है, मुंबई में जाता है, बहुत जगह पे जाता है। तो आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के अंदर पूना गॉड फार्म के अंदर, जो फार्म का मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का। पूरा दिखाऊंगा फार्म और फार्म का टूर भी कराऊंगा, साथ ही फार्म देख के आप खुश हो जाएंगे, तभी तो आपकी खुश हो जाएगी। चलिए फार्म से बात करते हैं। और दोस्तों ये जो फार्म के ऑनर हैं, ये एक सरकारी अहदे पे हैं, जो कि सामने आपके नहीं आना चाहते हैं। उनकी जो मैनेजर वगैरह हैं वही सामने आएंगे, बाकी सर हमारा पीछे से क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्ते सर, थोड़ा बताइए फार्म कहाँ पर, क्या लोग? ये फार्म पुणे अहमदनगर हाईवे पे है, पुणे सिटी से 20 किलोमीटर पे है, कॉर्पोरेशन के बॉर्डर पे है। आप अगर उधर फोकस करेंगे तो आपको गाड़ी दिखेगी, वो जो जा रही हो हाईवे पे है। शानदार लोकेशन। चलिए सर अंदर चलते हैं, दिखाते हैं हमारे व्यूवर्स को फार्म की क्या क्या हुआ है यहाँ पे। आपने ये डॉग रखा हुआ है सर? ये मुदड़ हाउंड डॉग है, और एक हाँ मुदड़ हाउंड करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जिसका जिक्र करते हैं वही है। ये कहाँ की ब्रीड है सर? ये इंडियन ब्रीड है, लेकिन वो लंबा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बाकी दोस्तों देख लीजिए, ये सर का एक स्पेशल ब्रीड है कुत्ता। ये सर दुबई में जो शेख लोग रखते हैं वही है। ये रेस कराता है, देखिए क्या लंबा है ये। स्वीटी देखो, स्वीटी ये भी सर विदेशी है क्या? नहीं नहीं, ये अपना डॉबरमैन है, ये बहुत है अपना, नहीं डॉबरमैन तो ये बहुत ही एक्टिव है। इसका क्या काम है सर फार्म पे? ये तो पूरा निगरानी वही करती है, सांप वगैरह नहीं आने देता? नहीं कुछ नहीं, सांप चूहा कुछ नहीं, आदमी को भी नहीं आने देगी रात को। चलिए दोस्तों काफ़ी अच्छा सर का फार्म है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सर ने आपको करी देखने को मिलेगी, नहीं जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। सर गोडाउन देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा सर आपका। तो खाना लगता है ना दिन का, हमारा पास समझो कि आज 600 बकरा है तो दिन का हमको ऑलमोस्ट एक 1200-1500 किलो लगता है। दोस्तों एक एक सेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे, एक एक डिपार्टमेंट है, किस तरह का मैनेजमेंट है, क्या यहाँ पे नया क्या हुआ है वो भी दिखाएंगे। बहुत कुछ आपको इस वीडियो के सीखने को मिलेगा। बाकी देख लीजिए ये इस तरह का, ये साइलेज है, ये साइलेज रेडीमेड खरीदते हैं सर? नहीं नहीं, हमारे खेत से होता है। ये गोडाउन में सब तरह का खाना रहता है, एक 8-10 टाइप का खाना रहता है। ये स्टॉक अभी ये तो चलेगा साल भर, लेकिन इसको तो हर महीने गाड़ी आती है। इसकी गाड़ी कितना लग जाता होगा सर? हर महीने में आप समझो एक 2 ट्रक लगता है। और कितनी बकरियां हैं अभी हमारे पास टोटल? आपके पास अभी बकरियां रहेगी एक 100-125 बकरी रहेगी, और 500 के ऊपर बकरे। ये जो सर इसमें फोकस करिए, ये जो बकरा है ना, मेरे किसी कस्टमर ने खरीदा था कुर्बानी में, पिछले कुर्बानी में, तो उनको लगा कि नहीं बनेगा तो फिर उन्होंने मेरे को दे दिया, मैंने परचेस किया उनसे। तो अभी इनका जो क्वालिटी आया है ना, अभी वो खुद मांग रहे हैं वापस कि मेरे को दे दो बोलते। अभी वो सामने वाला बच्चा देखो, ये देखो, ये ऐसे बच्चे आते हैं अपने पास। हाँ ये अभी इसका देखो, ये नहीं मिलेगा कहाँ आपको देखने के लिए, ये देखो बड़े कान है। नहीं बड़े कानों का इस, या भी इसको हम लोग खस्ती करेंगे। लोग बोलेंगे ब्रीडर, मैं ब्रीडर नहीं रखता हूँ, मैं खस्ती करता हूँ, मेरा पूरा कस्टमर खस्ती का है, तो खस्ती हमको इसका 100+ करके बेचेंगे। सर फीड मैनेजमेंट आपका बड़ा तगड़ा है, आपके पास 150-140 किलो तक के बकरे हैं, क्या खिलाते हो सर? क्या सर मेरा मेन डाइट रहता है मक्का, मेरा मेन डाइट रहता है जौ, मेरा डाइट रहता है अलग अलग चुनी, मेरा रहता है ये अपना ऑयल सीड रहता है, और मैं चने का भूसा भी देता हूँ, क्योंकि बॉडी जब आप कुछ अच्छा अनाज देंगे तो बकरे का बॉडी भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि उनका लिंडी हम लोग मॉनिटर करते हैं। अच्छा ये हाँ, भी पूरा दिखता है लिंडी, लिंडी से पूरा आपका पेट कैसा है वो लिंडी से समझ में आता है ना। अभी देखो ये छोटे छोटे बच्चे कितने एक्टिव है, ये कौन सा सेक्शन है सर? ये वही हुई जो अगले साल के लिए रखे हुए बच्चे बकरे वो, और इधर जो है अपने, हाँ ये अभी ये जो घूमने के लिए रखे है ना, वो अभी इनका खाने का टाइमिंग खत्म हो गया तो ये खाने के बाद दौड़ते डाइजेशन करेंगे। हाँ अभी वहाँ से जो देखो अंदर से जो गोडाउन से पड़ रहा है वो खा रहे, लेकिन वो इतना नहीं खाना। हम लोग क्या है जैसा आदमी खाता है ना उसी टाइम पे खाना देते हैं उनको। पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर हम, ये बाल से आप क्या करते हैं? बाल आपने उतारे हुए हैं, रिजवान बोलो क्या करते हैं बाल से?
रिजवान के ऊपर कैमरा। कहाँ से क्या होता है इसका? इसका ले जाते हैं, ब्रश बनाते हैं। किस हिसाब से बिकता है ये? ये बिकता है 120 रुपए किलो से। साल में 100, इसने बेचा 120 रुपए किलो, सस्ता बेचा। तो अभी कस्टमर आता है तो हम लोगों ने रखा है। हम लोगों की यहाँ कुछ वेस्टेज नहीं है बकरों का। तो कितना निकल जाता है सर एक बकरी से? नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता है, जब लोग हम साल में एक बार बाल काटते हैं ना तो मिलता है उसको। अभी ये साने नहीं, ये खस्सी साने नहीं, आपको नहीं मिलेगा कहा खस्सी साने। ये सब बिके हुए ऑलरेडी सेल्ड है, ये सब ऑल कप्पा सेल्ड है। अभी वो जो आपने कप्पा देखा ना उधर से बच्चे बोल रहे थे ना आप लोग, तो यहाँ से ये बच्चे बड़ा हो गया, यहाँ बच्चे यहाँ से अभी सेपरेशन हो जाएगा, मेल अलग हो जाएंगे फीमेल अलग हो जाएगी। इसमें बोर के भी है, बाकी सब ब्रीड के है, तो यहाँ से मेल फीमेल अलग हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा। ये सारे मेल है, ये अभी फुल फीडिंग पे आएगा, इनको कुर्बानी से तैयार करना चालू हो गया है। यानी कुर्बानी में भी तैयार करते हो? कुर्बानी हमारा मेन कस्टमर कुर्बानी का है, और ये फीमेल है वहाँ से, तो ये फीमेल अभी इनका जब 30 किलो के ऊपर वजन हो जाता है फीमेल का, इधर फोकस करो, इसका जब 30 किलो के ऊपर वजन हो जाता है ना तो हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। हम लोग क्रॉस भी महीने साल में 4 महीना हम लोग ये नहीं रखते उसमें। रिजवान अंदर जाके जरा जा, अच्छा अच्छा फीमेल दिखाओ ना साहब को। सर कुछ लोग बड़े डाउट में होते हैं कि ब्रीडिंग के लिए काम करें कि कुर्बानी के लिए करें, किस में ज़्यादा फायदा? नहीं, ब्रीडिंग किससे चालू करना चाहिए? ब्रीडिंग से चालू करना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है कि आपको परवड़ेगा नहीं फिर फीडिंग। अभी कैसा होता है, 4 बकरी लिए अपने, उसमें से एक मर गया वो तो प्रॉब्लम है। एक हाँ वो करोली, हाँ वो दिखाओ, ये देखो ये क्वालिटी अपने पास आती है। ये कितने दिन की है सर ये? ये तो अभी आधा बच्चा है, 8-10 महीने। दिखाओ दांत, दिखाओ उसको, फिर क्या को लोगों उनको दांत का समझ में आता है। हम लोग क्या है रिकॉर्ड में दाते को दांत, अभी दूध का दांत है उसका, दो दांत। हाँ इसको इसको देखो, ये काला वाला दिखाओ, ये अभी इसका इसका कान देखो लंबा, बेड़े का कान देखो लंबा, तो कितना अच्छा कान आएगा। कान का कस्टमर अच्छा रहता है। दांत दिखाओ, क्रेज में है ये। हाँ तो क्या होता है कि कस्टमर को जो चाहे वो, देखो आधा दूध का दांत। तो ये जो है ना, ये अभी ये बकरी प्रेग्नेंट है, 30 किलो के ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो हम लोग उसको दिखाते हैं। बाकी सर देखो ये फीड मैनेजमेंट आपका मैंने पहली बार देखा इस तरह का। ये नहीं, गीला खाना कौन खिलाता नहीं साहब, गीला खाना खिलाने के लिए क्या होता है उतना मैनेजमेंट लगता है, गीला खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ भी फोकस करो, यहाँ भी भरा रहेगा, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं कितना खाना देना है क्या देना। मैंने सब बच्चों को बोल दिया है कि रिजल्ट मेरे को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ये पूरा पूरा फार्म सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, यहाँ अभी क्या मोमेंट हो गया तो दिखता है। ये चुनी है, ये चने की चुनी है, ये देखो यार चना कोई खिलाता नहीं, चना कॉस्टली पड़ता है इसलिए चुनी खिलाते। ये बकरी देखो आप क्वालिटी में कौन सा भी, जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ मिलेगा। अभी यहाँ फोकस करो, ये सब पलाई सेक्शन है, इसमें अलग अलग बकरे हैं। अभी ये बम्बई वाले भाई का बकरा है, इसका प्योर बोर का है, ये उनका फर्स्ट जनरेशन का बकरा है, बोर का जो फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं ना, उन्होंने पलाई के लिए रखा है। रिजवान कितने किलो पे आया था और कितना किलो वजन हो गया उसका? 28 किलो पे आया था है, अभी ये 54 किलो पे है। तो कितना दिन में कितना किलो बढ़ गया? अभी सेट होने के पहले उसका वजन बढ़ गया। अपना ब्रीडर जाकिर भाई, अपना ब्रीडर दिखाओ जरा सा आपको। अभी हमारा क्या है, गर्मी चालू है ना, तो गर्मी में अगर क्रॉसिंग किया, ये भी शॉट लीजिए आप। हमारे पास बहुत सारी मुर्गी है, अंडा मिलता है। हाँ ये मुर्गी ने अंडा दे दिया, और ये सबसे बड़ा क्या होता है कि जब अनाज हम लोग लिंडी बाहर फेंकते तब जिसका ये आता है अनाज आता है, तो ये मुर्गी अनाज खाते हैं, इनको चारा देने की जरूरत नहीं। लेकिन मुर्गी आप देखो क्वालिटी क्या है। हाँ रिजवान ब्रीडर को निकालो बाहर, ये अपना ब्रीडर है, ये आपको मिलना भी बहुत मुश्किल है। हाँ ये इंडिया में जो डिस्कशन में बकरा था उसका, हाँ उसका है। तो आपको इधर एक कलाहारी भी है, लेकिन वो दिखा, ये देखो मेंढा 100+ 100+। तो यहाँ क्या है कि यहाँ अभी आप पूरा फार्म घूम रहे, कोई बीमार नहीं दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये सेक्शन भी सारा पलाई का, ये सब पलाई का सेक्शन है, एक एक बकरा है। अभी इसमें मारो चना, या कोई चीटिंग नहीं है, या कोई चीटिंग नहीं है। चना भी देते हो सर? चना भी देते हैं, कोई चीटिंग नहीं है। चना चुन्नी वगैरह सब? हाँ पूरा बकरा 2 किलो के ऊपर खाना खाना चाहिए। इधर क्या है, इसमें क्या है? इसमें भी चना, चना है। ये कप्पे का वाले को चना है खाली। ये अलग अलग बकरे, अलग अलग बच्चे के ऊपर जो 100-100 बकरा दिया हुआ है जी, उनका अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि इसका ही है खाली। ये कुर्बानी का बकरों का सेक्शन है, सारे यहाँ पे कुर्बानी है। ये कुर्बानी के सब बकरे है, यहाँ आपको 101 बकरा देखने के लिए मिलेगा। सो शुरू में बकरी पालन करना है ना, आपको वजन दिखाते 2-3 बकरे का। अभी यहाँ पे 0 मीटर है, आइए। ये ब्रीड कौन सी है सर? ये गुजरी है, गुजरी अजमेरा थोड़ा क्रॉस है।
ये अभी देखो फोकस करो 139 किलो है, अभी उसका खाना बचा है तो शाम को जाएगा 141 पे। कितने दिन का सर ये? हाँ कितने दिन का ये? अपने अपने पास पिपाड़ के फार्म से आया है, एक साल हो गया इसको। मैंने उसको उसका पोटेंशियल मुझे दिखा था तो इसलिए मैंने पिछले साल इसको बेचा नहीं। कमाल कर दिया सर आपने तो। हाँ अभी 139 किलो का बकरा मिलना बहुत मुश्किल है, ले लो उसको, चलते हुए दिखाओ इनको। वो बकरा कैसा है कि अगर इतना बड़ा किसी के पास बकरा रहेगा तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। देखो एक्टिव है, सेल्फ फीडिंग पे। वो बिटेल ले लो, दूसरा कौन सा है बड़ा? ये सब 100 प्लस का कप्पा है, पूरा कप्पा 100 प्लस का है। अपने पास 100 प्लस के ऑलमोस्ट 55 बकरे बिक गए कुर्बानी के बाद से। राइट सर। अभी 100 प्लस के यहाँ वापस एक 50 बकरा है। मैं वो लोगों को यही बोलना, तुम ये सीखो, ये सीखना चाहिए लोगों ने। कैसे 100 किलो से ऊपर का? हाँ तो समझ में आता है ना। अभी इसका एवरेज डेली वेट गेन मॉनिटर करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ये 213 नंबर का बकरा है, ये पिपाड़ फार्म से 6 महीने पहले आया था। हमका पिपाड़ में भी एक फार्म है राजस्थान में, जोधपुर के नज़दीक है। तो ये बकरा 80 किलो पे आया था, आज 117 पे, 6 महीने के अंदर इतना बढ़ गया है। तो ये लोग बेच रहे थे इसको, मैंने बोला ये बेचना नहीं है, ये मैं अगले साल ही बेचने वाला, इस साल बेचने वाला नहीं उसको। बड़ी मेहनत करते हैं सर आप, बताइए तो वजन आप बढ़ाते हैं सर। हाँ अभी देखो ये बकरा पूरा 90 प्लस है, 100 है इसमें, इसको भी फोकस करो। लेकिन अभी वो जो बकरा खा रहा है ना उसके ऊपर फोकस करो, उसका स्किन का क्वालिटी देखो। ये सामने वाला बीटेल आ रहा है, उसका स्किन पर फोकस करो आप। तो ये मीट पर्पज के लिए अपना सब माल जाता है, जो कुर्बानी वाले कस्टमर है ना अपने, वो मीट का उनको अच्छा लगता है। अभी ये जो प्योर बोर है इधर फोकस करो, ऐसे प्योर बोर ये ब्रीडर के लिए जाते हैं। ये जो है ना, ये अभी अनिश भाई आपको दिखा रहे हैं, ये जो लिंडी है ना, ये 15 दिन बकरों के पाव के नीचे रहती है। अभी इसमें यूरिन भी होता है, तो ये चाय पाउडर जैसा होता है। इसका सेल मेरा बहुत अच्छा है, इसका सेल मेरा गोवा में जाता है, मुंबई में जाता है, बहुत जगह पे जाता है। लेकिन इसको गार्डन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इसका सेल आ रहा। इससे आगे जब बनाएंगे तो वर्मी कंपोस्ट, लेकिन वर्मी कंपोस्ट से भी इसका अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि चाय पत्ती देखो बिल्कुल सूखा नहीं, देखो ना। जी जी बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट हम लोग बहुत सालों से चला रहे हैं इसका। ये 25 रुपये किलो से हमारा जाता है, यानी वेस्टेज कुछ नहीं। जी जी ये फार्म में कुछ वेस्टेज नहीं जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को, कैसे शुरुआत करें, काफी कुछ सीखने को मिला किसान भाइयों को। सानेन दिखाओ जरा साहब को, दिखाओ। अभी सानेन आप नरोड़े साहब के पास जाके आए, बराबर आई गोट फार्म पे। अभी नरोड़े साहब का ही सानेन है ये, क्वालिटी देखो इसका क्या है, ये खस्सी है। हम लोग खस्सी करते हैं लेकिन क्वालिटी देते हैं। अभी इसका जो मीट रहेगा वो नंबर वन रहेगा, क्योंकि इसमें पूरा ओमेगा 3 ओमेगा 6 एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।